ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। आपने टाइटल में देखा कि आज का मौजू है कादियानी तरीके पदाश, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी नाउज बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बन गया, ये उसकी जुबानी आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 मरतबा आया है, लेकिन उन्हें अल मसीह कहकर 11 मरतबा पुकारा गया। ये 5 सूरतों में और 9 आयात में आया है। सूरा मायदा की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 72 में अल मसीह का लफ्ज 2-2 मरतबा मौजूद है। कुरान पाक में जिन आयात में अल मसीह का लफ्ज है वो आले इमरान की आयत नंबर 45 है, अन-निसा की आयत नंबर 157, 171 और 172 है, सूरा मायदा की आयत नंबर 17, आयत नंबर 72 और आयत नंबर 75 है, और सूरा तौबा की आयत नंबर 30 और 31 है। आपको अपने सामने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 45 नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस आयत में लिखा है इस कालतिल मलाइका तो या मरियम इन अल्लाह युबशिरु का बेकालिमातिन मिन्हु इस्मुहु अल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबी। जब फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि खुदा ताला आपको एक फैज और एक बरकत की खुशखबरी देता है, इस्महु जिसका नाम हो क्या होगा अल मसीह, ये याद रखिए कि मसीह का अगर कहा जाए अरबी जुबान में तो वो कोई भी मसीह हो सकता है, लेकिन जब अलिफ और लाम लगा दिया जाए तो वो एक ही खास मसीह की तरफ इशारा होता है, एक की तरफ, अल मसीह, वो खास मसीह। इसी की मिसाल इस तरह है जैसे घर को बैत कहते हैं अरबी जुबान में, और अल बैत का मतलब एक खास घर। इसी तरह किताब कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन जब कुरान पाक का जिक्र किया जाए तो अल किताब कहा जाता है, यानी कि वो खास किताब, एक खास किताब की तरफ अल किताब कहकर इशारा होता है। आप देखें अरबी जबान में ये बहुत कॉमन बात है जो मैंने आपको बताई। यहां पर कुरान पाक में जब भी मसीह का जिक्र किया कहा वो अल मसीह है, यानी कौन है अल मसीह, ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में आप पासपोर्ट बनवाएं तो आपके वालिद का नाम लिख दिया जाता है ताकि अगर दो अनवर नामी शख्स हों तो दोनों में फर्क किया जा सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम साथ लिख दिया कुरान पाक में, ईसा इब्ने मरियम, यानी कोई आम ईसा नहीं बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा जो है वो अल मसीह है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक की बजाय ज्यादा लोग हों जिनकी वालदा का नाम भी मरियम हो तो अल्लाह ताला ने उसको भी पक्का कर दिया कुरान पाक में। ये आपको सूरा निसा की आयत नंबर 157 नजर आ रही है, लिख दिया व कौलहिम इन्ना कतलना अल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स का नाम ईसा हो फिर वालदा का नाम मरियम हो तो कहा नहीं, जब तक वो अल्लाह का रसूल नहीं होगा वो अल मसीह नहीं होगा। आप देखें
जो जरा बराबर भी कुरान पाक समझता है वो इस बात को आसानी से समझ जाएगा कि अल मसीह एक मसीह है, खास मसीह है, जिसकी शनाख्त कुरान पाक ने लोहे से ज्यादा पक्की कर दी कि कौन है वो। ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के रसूल। अब मिर्जे में तो ऐसी एक भी बात मौजूद नहीं है। इसके बावजूद मिर्जे कादियानी ने कहा कि मैं तो वही ईसा हूं नाउस बिल्ला जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। अब कोई आपको अजीब नहीं लगता कि अरब दुनिया में इतने ज्यादा कादियानी नहीं है और जो अरबी बोलने वाले कादियानियों की ये परेड कराते हैं वो इसराइल के ओदा कबीले से ताल्लुक रखते हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बात आप अरब इसलिए नहीं कादियानी और कादियानी नुमा लोगों को मानते क्योंकि वो अरबी जबान से वाकिफ हैं और कुरान पाक में तो साफ लिखा है वलाकद यस्सरनल कुराना लिस्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान पाक को समझने के लिए एहसान कर दिया है। कोई सोचे या समझे? और कैसे एहसान किया? सूरा मरियम में कह दिया फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने इसे जुबान के अतबार से एहसान किया। और फिर कोई किसी शक में ना रहे कि इसमें जू मैनी बातें हैं, सूरा यासीन में कह दिया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगीला इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन, कि हमने तो आपको शायरी सिखाई नहीं, शायरी में जू मैनी बातें होती हैं। तो यह है शनाख्त कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मसीह है। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक में और इस्लाम में सिर्फ मसीह का, अल मसीह का तसव्वुर है, मसीह माऊद का तसव्वुर नहीं है। यह मसीह माऊद की जो इस्तलाह है यहूदी मजहब में उस वक्त घड़ी गई जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उन्होंने कर दिया इनकार कि यह शख्स जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है बल्कि वो कोई और शख्स है, और उन्होंने मसीह को मसीह माऊद कहना शुरू कर दिया ताकि ईसा अलैहिस्सलाम में और यहूदियत के मसीह में फर्क कर दिया जाए जो आज तक नहीं आए। ये आप याद रखें, जब कोई कादियानी मसीह माऊद कहता है तो ना जानने वाले कादियानियों आप यहूदियत की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब जो जिल्ली और बरूजी का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में, यह कादियानियत ने हिंदू मजहब से लिया है क्योंकि मिर्जा कादियान पंजाब में हिंदुओं और सिखों के दरमियान पैदा हुआ। तो यह बातें अगर आप याद रखें तो मिर्जा का आपको समझ में आ जाए कि मिर्जा कादियानी है क्या चीज। सूरा नसा की आयत नंबर 171 है, यहां भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल मसीह कहा गया है, एक खास मसीह। वो कौन है? ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह। अगर आप कुरान पर जरा भी ईमान रखते हैं तो इस शनाख्त के बाद जो शख्स ईसा और मसीह होने का दावा करता है वो झूठा, लानती, मुर्तद और कज्जाब है। आप देखें मिर्जे कादियानी से लोगों ने पूछा कि मिर्जे हमें एक बात तो बता, तू ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो गया? कुरान पाक में तो ईसा अलैहिस्सलाम की शनाख्त इतनी पक्की कर दी है। तो मिर्जे कादियानी ने पहला जवाब दिया, झूठा तो था, उसकी बातों में बेशुमार तजाद है, ये आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, और खास तौर पर देखें वो चार वीडियोस जो पागल 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 के नाम से हैं। मैंने जदीद तिब्बी साइंस से, और मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूं, मैंने जदीद तिब्बी साइंस से और मिर्जे की किताबों से साबित किया है कि मिर्जा स्किज़ोफ्रेनिया और एसएसडी जैसी मूजी जहनी इमराज में मुब्तला था। यह मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब है रूहानी खजाइन जिल्द 19, मैं इसको खजाइन ही कहूंगा क्योंकि है तो शैतानी बातें ये। तो खजाइन जिल्द 19 है, सफा नंबर 98 है, और उसकी किताब का नाम तोहफतुल नदवा है। वो लिखता है कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। अब तमाम ना जानने वाले कादियानियों, ये मेरी तहरीर तो है नहीं है, आपकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, आप भी करें। अगर कोई कादियानी मुझे कुरान पाक की वो आयत लाकर दिखा दे
जहां लिखा हो कि मिर्जे तेरा नाम हमने इब्ने मरियम रख दिया है, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा, दुनिया की किसी भी करेंसी में वो मांगे दूंगा। सिर्फ वो कुरान पाक की आयत ले आए, अगर ना ला सके तो फिर कादियानियत पर लानत भेज दे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आम कादियानी कादियानियत में इसलिए हैं कि वो अपने दिल से यकीन रखते हैं कि वो तो मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता तो मैं आपके लिए कभी ये बातें रिकॉर्ड ना करता। तो ले आइए ये आयत कुरान पाक, तो पैसे भी लीजिए और मुझे भी चुप करा दीजिए। ये देखिए, अब सारे ना जानने वाले कादियानी देखें, यह किताब जो है ना, जिसका नाम है किश्तीए नू, ये सबको देते हैं कादियानी। लोगों को शायद नहीं पता, मैंने कादियानियों को बहुत करीब से देखा है। कोई कादियानी मुझसे डिसएग्री नहीं करेगा जो कादियानियों से जरा भी इनके अपने अल्फाज में जो जिसका जमात से ताल्लुक है वो मुझसे डिसएग्री नहीं कर सकता। ये जिल खजाइन की जिल 19 है, सफा 50 है और किश्ती नूह किताब का नाम है। किश्ती नूह जो है ना, नूह अलैहिस्सलाम का नाम से इसने नाउस बिल्ला लिखी। ये इत्तफालुल अहमदिया, खुदामुल अहमदिया और इंसारुल अहमदिया तीनों के निसाब में शामिल है। ये सबको कहते हैं भाई ये किताब तू जरूर पढ़ा करो। चंद किताबें, सब नहीं पढ़ाते, चंद किताबें कहते हैं पढ़ो, और साला वसीयत पढ़ो, किश्ती नूह पढ़ो और एक दो और हैं। इस किताब का सफा नंबर 50 है। ये तो आपके निसाब की किताब है ना कादियानियों, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो तो कादियानी तुम्हें कहते हैं ये किताब पढ़ा करो, तो पढ़ लो ना। यहां देखें कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बन गया। ये सारे लोग पढ़ना और गौर गौर से पढ़ना। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मिर्जा गुलाम कादियानी 1841 में पैदा हुआ। उसके अपनी लिखाई के मुताबिक आप मेरी वीडियो देख लें कि मिर्जे की तारीख पदाश, उसने ये किताब पब्लिश की ब्राहीन अहमदिया, लोगों से पैसा बटोर के हजारों रुपए जो आज के लिहाज से करोड़ों बनते हैं खा गया। लोगों को धोखा दिया कि मैं तो 50 वॉल्यूम लिखूंगा, लिखे 5 छोटे छोटे पंफलेट नुमा चीजें जिस पर हाशिया दर हाशिया लगा के कादियानियों ने उसको मोटी किताब कर दिया हुआ है। आजकल कहता है कि ब्राहीन अहमदिया की तालीफ के वक्त जिस पर एक जमाना गुजर गया, मुझे इस मंसूबा का ख्याल होता तो मैं उसी ब्राहीन अहमदिया में यह क्यों लिखता कि ईसा मसीह, अल मसीह नहीं लिख रहा, कहते ईसा मसीह, उसको अरबी आती नहीं थी, जाहिल मुतलिक शख्स था और दिमागी पागल था। ईसा मसीह इब्ने मरियम आसमान से दोबारा आएगा। देखो तमीज नहीं है कादियानियों को नबी से, आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं मिर्जे को साहब कहना नाजायज और तोहीन रिसालत है। ईसा उसने इस किताब के पहले 4 वॉल्यूम 1880 और 1884 के दरमियान में लिखे, और पहले वॉल्यूम को 1880 में उसने पब्लिश किया। ये छोटी सी किताब थी, बाद में इन्होंने आशिया दर आशिया लगा के बड़ी की। इसमें मिर्जा लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजल होंगे, जैसा कि मुतवातर अहदीस में दर्ज है और कुरान पाक में कि वो अपने इंसानी जिस्म के साथ जिंदा है। मिर्जा ने यही बात इसके पहले वॉल्यूम में लिखी। याद रखें कि मिर्जे ने पहला दावा मुजद्दी या जो भी किया वो 1899 की मार्च में किया। ये बात को मिर्जा कह रहा है जो मैंने पहले एडिशन में छाप दिया है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजल होंगे, पैदा नहीं होंगे। कहता है कि चूंकि खुदा जानता था कि इस नुक्ता पर इलम होने से ये दलील ज़ईफ हो जाएगी, कहता है कि वो तो अब तो मैं खुद ईसा बन रहा हूं तो ये दलील तो खत्म हो गई। अब मैं तमाम ना जानने वाले कादियानियों को ये सफा जो आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पर इस वक्त, यह खजाइन की जिल्द 8 है, सफा 272 है,
मिर्जे की किताब का नाम नूरुल हक हिस्सा सानिया है, कहता है इन अल्लाह ला यतरकनी अला खताइन तरफतैन, कि अल्लाह ताला मुझे पलक झपकने के लिए भी गलती पर नहीं छोड़ता। कादियानियों, ना जानने वालों को कह रहा हूं कि मैं किस बात का यकीन करूं मिर्जे का। यहां तो वो कह रहा है कि मुझे साला साल खबर नहीं हुई, और इधर वो कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला पलक झपकने के लिए भी नहीं छोड़ता। और मिर्जे ने खुद अपनी किताबों में भी लिखा है कि झूठे के बयान में हमेशा तजाद होता है। चलें इसको छोड़ते हैं इस वक्त। ये देखें मिर्जा ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बना। ये येलो कलर में हाईलाइट मैंने किया हुआ है। कहते हैं उसने इब्राहीम अहमदिया के तीसरे हिस्सा में, जो उसने दो तीन साल के अंदर ही एक चार वॉल्यूम छाप दिए, कहता है कि तीसरे हिस्सा में मेरा नाम मरियम रखा। उसे भूल गया ना, पहले तो मैं नाजल होने का कह चुका हूं। और ये उसने जो दलील दी है, ये किश्तिया नू बहुत साल बाद, 20-22 साल बाद लिखी हुई किताब है। ये 20-22 साल बाद कह रहा है कि वो गलती थी। तो कहते हैं तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रख दिया अल्लाह ताला ने। नाउज बिल्ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। इसको अंग्रेजी जबान में ट्रांसजेंडर कहते हैं। वो ख्वाजा सरा नहीं होते, खुसरे होता तो आदमी है, औरत के कपड़े पह के ठुमक रहा होता है। मिर्जा कहता है कि मुझे नाउज बिल्ला खुदा ताला ने खुसरा बना दिया, ख्वाजा सरा बना दिया, मुझे मरियम कह दिया अल्लाह ताला ने। मैं तो नहीं कह रहा, मिर्जे की किताब में लिखा हुआ है, मुझे नहीं इल्जाम देना। और फिर ब्राहिने अहमदिया से जाहिर है कि 2 वर्ष तक मैं मरमियत में परवरिश पाता रहा। और ना जानने वाले कादियानियों को मैं ये भी बता दूं कि मिर्जा अपनी जवानी में और ये किताब लिखने के बाद भी गरारा पहन के फिरा करता था, और उसमें रेशमी नाले से बांधता था। गरारा जानते हैं ना, वो जो औरतें पहनती हैं ब्लाउज के साथ गरारा, वही कपड़े पहनता था मिर्जा। आपकी सीरतुल महदी में लिखा है, मेरी पिछली वीडियो देख लें, मिर्जे का बचपन और जवानी। अब ट्रांसजेंडर, कभी सुना है आपने कोई नबी, इधर आपके घर में कोई ट्रांसजेंडर हो, आपका लड़का जो है वो औरतों के कपड़े पहन के फिरे और कहता फिरे मैं तो शाजिया हो गया, आप क्या करें कहेंगे उस लड़के को। मिर्जा यही कह रहा है। ये वो बता रहा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बना। कहते हैं इब्राहीमे अहमदिया के हिस्सा चहारम सफा 496 में दर्ज है कि मरियम की तरह ईसा की रूह में निफख की गई। कहते हैं जैसे मरियम अलैहिस्सलाम में ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नफख की गई, वैसे ही मुझमें की गई। और ये इंतहाई मिर्जे ने कभी कुरान पाक नहीं था पढ़ा, उसको इलम ही नहीं था कुरान पाक में क्या होता है। उसका मैं आपको सबूत बताऊं, सूरह मरियम आप पढ़ लें, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक्य है। वहां लिखा हुआ है इन्ना नुबशिरु का बेगुलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आपने कहा कि अल्लाह ताला आपको एक लड़के की खबर देता है। वो औरत थी और वो फिर प्रेग्नेंट हुई, जैसे हर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, कोई कुदरत के खिलाफ बात नहीं हुई। और दर्दे से हुई, ईसा अलैहिस्सलाम वैसे ही पैदा हुए जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन देखो ये मिर्जा क्या कह रहा है कि मुझमें ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नफख की गई। अरे रूह तो अल्लाह ताला हर बच्चे में भेजता है, लेकिन तू तो खुसरा है, तेरे यहां तो बच्चा हो ही नहीं सकता मिर्जिया। कादियानियों बुरा ना मानो, आप सोचो जिसको तुम नबी मानते हो उसकी जहनी हालत कितनी खराब है। मैं आपको अभी एक और दलील दूंगा, उस पर भी सोचना। और कहते हैं इस्तारा के रंग में मुझे हमला कर दिया। अब कोई कादियानी मेडिकल साइंस से ये ले आए, क्योंकि इस्तारतन भी हमला लोग होते हैं, और किसी नबी को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग हमला समझते हैं ना अपने आप को, और इस्तारतन इसके चेले चांटों ने इसे कहा होगा, और मिर्जा इस्तारा दा लफ्ज इस्तेमाल कर ले नहीं तो पकड़ा जाएगा, वरना मिर्जे ने तो लिखा फिर मैं हमला हो गया। और कहा जाता है कि इसके जो असल एडिशन है उसमें इस्तारे का लफ्ज नहीं है।
और इस तारा के रंग में मुझे हमला ठहराया गया और आखिर कई महीना के बाद जो 10 महीने से ज्यादा नहीं बजरिया इस अलहम के जो सबसे आखिर ब्राहीन अहमदिया के सफा चहारम सफा 556 में हिस्सा चहारम सफा 556 में दर्ज है मुझे मरियम से अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया गया। मैंने बड़े बड़े पागल देखे, ऐसी बातें सिर्फ साइकेट्रिक वार्ड में देखी जो स्किज़ोफ्रेनिक करते हैं। और मैं नहीं ऐसे कहते हैं जी, आपने देखा होगा सड़क पर जर्नैल की वर्दी पहन के खड़ा होता है और ठा ठा सलूट मार रहा होता है, कोई पूछे तू कौन, कहता है मैं तो फील्ड मार्शल फलाना फलाना जर्नैल फलाना फलाना। यही मिर्जा लिख रहा है, यह स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर क्राइटेरिया है। अगर कादियानियों में कोई डॉक्टर है और जरा भर भी साइकेट्री से वाकिफ है तो वो अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि मैं एक लफ्ज भी गलत कह रहा हूं। ये लोग जो अपने आप को हमला तसव्वुर करते हैं उसको फैंटम प्रेगनेंसी कहा जाता है। आदमी कैसे हमला हो सकता है? और फिर मिर्जे की जहालत आप देखें, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है इंसान को, अगर 9 महीने पूरे हो जाए तो उसको ओवरड्यू कहा जाता है और उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। 10 महीने से कहीं पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस कर दी जाती है, बच्चे को दवाई से या किसी और तरीके से सर्जिकल तरीके से डिलीवर कर दिया जाता है। मिर्जा जब ईसा अलैहिस्सलाम बना और अपने आप में से खुद ही पैदा हो गया, अब मैं आपको ये सफा दिखाए बगैर बात कहता तो आप कहते कि यह तो पता नहीं कहां से ले आया, वो 10 महीने का था। 10 महीने की प्रेगनेंसी गधे को होती है। देखें, अगर आपने इस तारा ही देखना है ना, तो मेरे ना जानने वाले कादियानियों, फिर तो इसको इस तारे में क्या, इसको तो हकीकत में गधा करार दे दिया, इसने इकरार कर लिया कि मैं तो गधा हूं, पागल भी हूं और गधा भी। कहते मुझे फिर पस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। कादियानियों, खुदा दा खौफ करो, इमान से अगर मैं कादियानी होता तो मैं ये 2 सफ़े देख के लख लानत भेज देता मिर्जे पर। कहता है अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं। ये देख लो जी, कहता है मैं इस तरीके से इब्ने मरियम बन गया। आपने गौर किया है? आप किस जहालत को मानते हैं, किस जहालत, किस पागल को मानते हैं? कादियानियों, मैं आपसे कहता हूं खुदा की कसम, अगर ये कुछ जरा भी सही दिमाग होता, पहली बात तो यह कि कुरान पाक के ये नबूवत के मियार पर ही पूरा नहीं उतरता। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता, चलो एक सेकंड के लिए कोई मान भी ले कि ये नबी है, तो अल्लाह ताला क्या इस बात से मजबूर है? ये कहता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं आना था, मिर्जे नहीं आना था, आप लोग यही कहते हैं ना, तो फिर ये लिखने की जरूरत क्या थी? मुझे कादियानी को ये जवाब दे सकते हैं? जब खुदा ने कह दिया मिर्जे को नाउस बिल्ला के तू नबी है, तो फिर इस पागलपन की क्या जरूरत है? वो तो पागल था, नबी भी नहीं था, मुर्तद था, कज्जाब था और एक ग्रुप का हिस्सा था। और खुदा ताला ने ब्राहिम अहमदिया के वक्त में इस सिर्रे खफी की मुझे खबर ना दी। देखें, मैंने इस पर सुरख लाइन लगा दी है, सारी कादियानियों ये खुफिया रास्ता मिर्जे का जो वो किताब में लिख गया आपके लिए, तो याद रखो कि मिर्जा ईसा अलैहिस्सलाम नाउस बिल्ला कैसे बना। मैं आप लोगों को क्या कहूं, अल्लाह आपको हिदायत दे। وما علينا إلا البلاغ المبين।